आज हम बालकांड का दोहा नंबर 2 और चौपाई नंबर 3 देखते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विसर गुणमय फल जासु। अर्थ, साधु यानी संत, चरित्र, चरित्र यानी चरित्र, संतों का चरित्र, शुभ शुभ किसके चरित्र के समान, कपासु यानी कपास के पौधे, कपास के समान, कपास के चरित्र के समान शुभ है संतों का चरित्र। कैसा है, फल जासु, जासु यानी जिसके जिसके फल कैसे हैं, नीरस हैं, विशद हैं और गुणमय हैं। किसके फल के बारे में बात करेंगे, कपास के पौधे के फल के बारे में। तो ये तीनों गुण जो कपास के पौधे में पाए जाते हैं वो संतों में कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। नीरस, कपास की जो डोरी होती है वो नीरस होती है, और संतों में भी नीरस यानी जिसे किसी भी चीज में कोई रस नहीं आता हो, और संतों को भी संसार के सुख भोग में कोई रस नहीं आता, इसलिए वो नीरस है, उनमें कोई विषासक्ति नहीं है। विषद, विषद का अर्थ होता है उज्जवल, अंधकार से रहित, जो कि कपास का फल है, उज्जवल है। और संतों के भी हृदय में ना ही कोई अंधकार रहता है, ना ही कोई मोह रहता है, उनके सिर्फ ज्ञान का प्रकाश होता है, इसलिए उनको भी विषद कहा गया है। गुणमय, देखिए कपास के पौधे में गुण होते हैं, ये गुण, इस गुण को तंतु भी कहते हैं, ठीक है, तो ये उस गुण के लिए। और संतों के चरित्र में भी गुण होते हैं, गुणमय होते हैं, गुणों के खजाने होते हैं, इसीलिए कपास के पौधे को, कपास के चरित्र को संतों के चरित्र से समानता दी गई है, जिनके फल नीरस विषद और गुणमय है।